हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सीजन 8 के फर्स्ट 4 एपिसोड 1, 2, 3 एंड 4। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। एपिसोड की शुरुआत रिक से होती है जो कि बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड दिखाया गया है। वो हिल टॉप में ग्रेव्स के पास खड़ा हुआ है और अचानक ही सोचों में गुम हो जाता है। प्रेजेंट में कार्ल एक गैस स्टेशन में गैस लेने के लिए जाता है। वहाँ उसका सामना एक स्ट्रेंजर से होता है। कार्ल उस स्ट्रेंजर को अपने गन के निशाने पर ले लेता है। वो स्ट्रेंजर कार्ल से खाना मांगता है। कार्ल उसकी रिक्वेस्ट सुनकर रुक जाता है और सोच में पड़ जाता है। तभी रिक आकर उस स्ट्रेंजर आदमी के ऊपर गन फायर करता है। स्ट्रेंजर रिक के गन फायर से घबराकर वहां से भाग जाता है। रिक कार्ल को क्लियर करता है कि वो आदमी सेवियर्स का कोई स्पाई हो सकता था। रिक कार्ल को ये भी क्लियर करता है कि अगर वो आदमी स्पाई नहीं है तो रिक ने उसके ऊपर गोली नहीं चलाई थी और वो किसी भी हालत में जिंदा होगा। कार्ल कुछ समय बाद लौटकर उसी गैस स्टेशन पर आता है। कार्ल उस स्ट्रेंजर के लिए वहां पर एक सॉरी लिखा हुआ नोट और कुछ फूड सप्लाईज छोड़ देता है। वो स्ट्रेंजर एक तरफ छिपा हुआ कार्ल को देख रहा था। रिक तीनों कम्युनिटीज को यूनाइट करता है और उन्हें सेवियर से लड़ने के लिए एक स्पीच देता है। वो उन लोगों को बताता है कि वो लोग अपने लिए नहीं अपने फ्यूचर के लिए सेवियर से लड़ाई कर रहे थे। रिक उन सभी को क्लियर करता है कि उन लोगों की इस लड़ाई में सिर्फ एक ही आदमी के मारे जाने की आवश्यकता है और वो आदमी नेगन है। मैगी और जैकल भी अपनी अपनी कम्युनिटीज को लड़ने के लिए स्पीच देते हैं। अलेक्जेंड्रिया, हिलटॉप और किंगडम तीनों ही अपने अपने तरीके से लड़ाई की तैयारियां करते हैं। सेंचुरी में ड्वाइट की मोटरसाइकिल पर एक एरो आकर लगता है। उस एरो में डेरिल का लिखा हुआ नोट था जिसमें उसने अगले दिन हमला करने के बारे में लिखा था। ड्वाइट डेरिल को उसका जवाब लिखकर एरो के थ्रू ही उसे भेज देता है। ड्वाइट ने डेरिल को लुकआउट पोस्ट की लिस्ट प्रोवाइड की थी। डेरिल, रिक और मॉर्गन एक एक करके लुकआउट पोस्ट पर मौजूद सेवियर्स को खत्म कर देते हैं। कैरोल और तारा ब्रिज के ऊपर मौजूद थे। तारा बार बार टाइम देख रही थी। उन दोनों को वॉकर्स के हर्ट के वहां तक पहुंचने का इंतजार था। वो दोनों वॉकर्स के हर्ट को अपनी तरफ मूव करता हुआ देखकर खुश हो जाते हैं। वो लोग वॉकर्स को आता हुआ देखकर वहां से मूव कर जाते हैं। डेरिल उन लोगों को हाईवे पर ज्वाइन करता है। तीनों कम्युनिटीज ने अपनी गाड़ियों को प्रोटेक्ट कर लिया था और उन्हें बैटल के लिए तैयार कर लिया था। रिक अपने पूरे ग्रुप के साथ अलेक्जेंड्रिया को छोड़ देता है। रोशिता और मिशोन क्योंकि घायल थे वो कार्ल के साथ अलेक्जेंड्रिया में ही रुक जाते हैं। सेंचुरी के रास्ते में रिक का सामना एक सेवियर से होता है। रिक उस सेवियर को मारकर उसके सामान को चेक करने लग जाता है। सेवियर रिक को टॉन्ट करता है कि उसने एक बार नेगन के सामने नील डाउन किया था और अब नेगन उसको और उसके बेटे को नहीं छोड़ेगा। रिक ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहीं मौजूद एक वॉकर को खोल देता है। वॉकर सेवियर के ऊपर अटैक कर देता है। रिक अपने पूरे ग्रुप के साथ एक बहुत बड़े फील्ड में पहुंचता है जहां पर तीनों कम्युनिटीज के लोग उसका इंतजार कर रहे थे। एरन एरिक को रिक के साथ देखकर आश्चर्य करता है। जेरी एनेट को आर्मर सूट पहनने के लिए कहता है। मैगी रिक के साथ लड़ाई के फर्स्ट फेज को लड़ना चाहती थी। इजेकिल मैगी को सजेस्ट करता है कि वो किंगडम के डॉक्टर से अपना चेकअप करवा सकती थी। जीजस मैगी को अश्योर करता है कि वो लोग डॉक्टर हर्लन को वापस लेकर आ जाएंगे। रिक सभी लोगों को अनाउंस करता है कि इस लड़ाई के खत्म होने के बाद मैगी उन लोगों की लीडर होगी। कैरोल, डेरिल, मॉर्गन और तारा हाईवे के ऊपर वॉकर्स के हर्ट के आने का इंतजार कर रहे थे। वॉकर्स के हर्ट के आते ही वो वहां से मूव कर जाते हैं। उन लोगों ने एग्जिट रैंप पर रखी हुई एक एसयूवी में कुछ एक्सप्लोसिव सेट कर दिए थे। उन लोगों के वहां से जाते ही वो एसयूवी एक्सप्लोड हो जाती है। सेवियर कंपाउंड में ड्वाइट इस एक्सप्लोजन की आवाज को सुनता है और वो बहुत सारे सेवियर्स को उस एक्सप्लोजन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज देता है। डेरिल और मॉर्गन एक ट्रिप वायर को रोड के ऊपर सेट कर देते हैं और उसके बाद वो कैरोल और तारा को पेडेस्ट्रियन ओवरपास पे ज्वाइन कर लेते हैं। उन लोगों को ट्रिप वायर के पास आता हुआ एक वॉकर दिखाई देता है। मॉर्गन तुरंत ही आगे बढ़कर उस वॉकर को मार देता है। मॉर्गन और उसके ग्रुप को दूर से आता हुआ सेवियर्स का कारवा दिखाई देता है। वो सभी लोग वहां से हट जाते हैं। सेवियर्स का कारवा ट्रिप वायर के पास आते ही एक्सप्लोड हो जाता है। सर्वाइवर्स का पूरा ग्रुप सेंचुरी के बाहर मौजूद लुकआउट पोस्ट पर दो स्नाइपर्स को मार डालता है। रिक अपने पूरे ग्रुप के साथ सेवियर कंपाउंड के अंदर एंटर कर जाता है। वो लोग अपनी गाड़ियों पर लगी हुई मेटल शीट्स को यूज करके अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव वॉल बना लेते हैं। मैगी का इशारा मिलते ही सभी लोग स्काई की ओर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं।
फायरिंग की आवाज़ सुनकर नेगान अपने लेफ्टिनेंट के साथ बिल्डिंग के बाहर आ जाता है। रिक वहाँ मौजूद सभी नेगान के लेफ्टिनेंट से सरेंडर करने के लिए कहता है। गेविन के अलावा सभी लेफ्टिनेंट रिक के सामने सरेंडर करने से मना कर देते हैं। नेगान रिक को क्लियर करता है कि रिक के पास नेगान से कम आदमी है और वो उससे लड़ाई में कभी भी जीत नहीं पाएगा। नेगान के इशारा करने पर साइमन अंदर से ग्रेगरी को लेकर आता है। ग्रेगरी रिक के साथ मौजूद हिलटॉप के सभी रेजिडेंट को कहता है कि अगर उन लोगों ने रिक का साथ दिया तो उन्हें हिलटॉप को छोड़कर जाना होगा। हिलटॉप के रेजिडेंट्स की ओर से कोई रिस्पांस आता न देखकर ग्रेगरी बहुत जोर से चिल्लाकर उन लोगों को बताता है कि हिलटॉप अब सेवियर्स के साथ है। जीजस ग्रेगरी को इसका जवाब देता है कि हिलटॉप अब मैगी के साथ है। तभी सेंचुरी पे मौजूद रिक और नेगान के ग्रुप के लोगों को एक्सप्लोशन की आवाज़ सुनाई देती है। रिक नेगान के सभी लेफ्टिनेंट को एक बार और सोचने का समय देता है और उन लोगों का कोई रेस्पॉन्स आता हुआ न देखकर रिक पूरे ग्रुप के साथ उन लोगों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। नेगान के सभी लेफ्टिनेंट इधर उधर भागने लग जाते हैं। रिक के ग्रुप के सभी लोग बिल्डिंग की विंडोज को फायरिंग करके तोड़ डालते हैं। सर्वाइवर्स फायरिंग के बाद अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर सेंचुरी से बाहर निकलने लग जाते हैं। इधर मॉर्गन और तारा गाड़ी में बैठे हुए थे। वॉकर्स का हार्ट एक्सप्लोशन के कारण इन लोगों के डायरेक्शन की ओर मूव कर गया था। वो लोग वॉकर्स के हार्ट को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं। डैरिल अपनी मोटरसाइकिल लेकर सेंचुरी की ओर रवाना हो जाता है। रास्ते में वो वॉकर्स के हार्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बीच बीच में एक्सप्लोशन करता जा रहा था। रिक और उसके सभी लोगों ने एक पुरानी आरवी में कुछ एक्सप्लोसिव्स फिट कर दिए थे। गैब्रियल उस आरवी को सेंचुरी के फेंस गेट की ओर ड्राइव करके उसमें से बाहर कूद जाता है। आरवी आगे जाकर सर्वाइवर्स के फेंस गेट को तोड़ देती है और फेंस गेट के टूटते ही वॉकर्स के हर्ट के अंदर घुसने के लिए रास्ता तैयार हो जाता है। रिक को वहीं पर एक गाड़ी के पीछे छिपा हुआ निगान दिख जाता है और वो गुस्से में उसका निशाना लेकर गोलियां चलाने लग जाता है। गैब्रियल रिक के पास आकर उसे वहां से चलने के लिए कहता है। रिक वॉकर्स के हर्ट को सेंचुरी में घुसता हुआ देख लेता है। वो वहां से निकलते वक्त वहां की सीन की एक पिक्चर खींच लेता है। गैब्रियल भी अपनी कार में बैठकर सेंचुरी से निकलने लग जाता है। तभी उसे ग्रेगरी दिखाई देता है। ग्रेगरी गैब्रियल से हेल्प मांग रहा था। गैब्रियल उसकी मदद करने के लिए अपनी गाड़ी से नीचे उतर जाता है। गैब्रियल को देखकर बिल्डिंग के अंदर से सेवियर्स उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। गैब्रियल उस फायरिंग से बचने के लिए एक और छिप जाता है। ग्रेगरी मौके का फायदा उठाता है। वो गैब्रियल की गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और सेंचुरी से बाहर निकल जाता है। वॉकर्स का पूरा हर्ट सेंचुरी के अंदर आकर चारों ओर फैल जाता है। गैब्रियल उन लोगों से बचने के लिए एक ट्रेलर के अंदर चला जाता है। ट्रेलर के अंदर गैब्रियल का सामना निगन से होता है। वॉकर्स उन लोगों के ट्रेलर को चारों ओर से घेर लेते हैं। रिक अपने पूरे ग्रुप के साथ एक जगह रुककर गैब्रियल का वेट करता है। वो लोग बहुत देर तक गैब्रियल का वेट करते हैं और उसके बाद अपने नेक्स्ट प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए वहां से रवाना हो जाते हैं। आप लोगों को सैटेलाइट पोस्ट याद होगी जहां पर रिक ने अपने ग्रुप के साथ हमला करके बहुत सारे सेवियर्स को मार डाला था। सेवियर्स ने उस जगह को एक बार फिर से अपने कंट्रोल में ले लिया था और वहां पर वो उस वक्त मौजूद थे। मॉर्गन, तारा, जीजस और डियाना का ग्रुप उस सैटेलाइट आउटपोस्ट पर जाता है। डियाना अपने एरोस से वहां मौजूद कई गार्ड्स को मार डालती है। अब बात करते हैं नेगन की सेकेंड आउटपोस्ट की। रिक और डैरिल वहां के फ्रंट गेट पर मौजूद गार्ड को मारते हैं और अंदर घुस जाते हैं। थर्ड आउटपोस्ट पर कैरोल और इजेकल अपने पूरे ग्रुप के साथ पहुंच जाते हैं। वो लोग वहां मौजूद एक गार्ड को निशाना बनाते हैं, लेकिन इन लोगों का निशाना चूक जाता है और वो गार्ड कार के पीछे छिप जाता है। वो गार्ड एक स्मोक ग्रेनेड को इन लोगों की ओर फेंक देता है। सीजन 8 के एपिसोड 1 में रिक का फ्लैश फॉरवर्ड भी दिखाया गया है। रिक बेड के ऊपर सो रहा था। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और पूरी तरह से व्हाइट हो चुकी थी। उसकी साइड टेबल पे कुछ फ्लावर्स रखे हुए थे। रिक एक म्यूजिक की आवाज सुनकर उठ जाता है। रिक बेड से उठता है। वो अपने अलेक्जेंड्रिया के घर में था और उसे डाइनिंग हॉल में मिशोन दिखाई देती है। रिक एक छड़ी की मदद से चल रहा था। कार लाकर उसे ज्वाइन करता है। जुडिथ 6 साल की हो चुकी थी। वो दौड़कर रिक के पास आती है। वो दोनों पोर्च पर निकलते हैं और कई लोगों को कुछ फेस्टिवल की तैयारी करते हुए देखते हैं। रिक ने अपने पूरे ग्रुप को 3 पार्ट में डिवाइड किया था और उसने अपने उन 3 ग्रुप्स को नेगन के 3 आउटपोस्ट को खत्म करने के लिए भेजा था। सबसे पहले बात करते हैं एक खाली पड़े हुए इंश्योरेंस ऑफिस की, जहां पर नेगन ने अपना एक आउटपोस्ट बनाया हुआ था। ऑफिस बिल्डिंग में बहुत सारे सेवियर्स काम कर रहे थे। उन लोगों की लीडर मारा को बाहर होती हुई कुछ आवाजें सुनाई देती है और उसे किसी गड़बड़ के होने का अंदाजा हो जाता है। वो वहां मौजूद गार्ड्स को पूरी बिल्डिंग को लॉक करने का ऑर्डर देती है। तभी रिक के ग्रुप के बहुत सारे लोग गाड़ियों में बैठकर फायरिंग करते हुए अंदर आ जाते हैं।
बाहर मौजूद ज्यादातर सेवियर्स उन लोगों के सामने सरेंडर कर देते हैं। उन लोगों के ग्रुप में एरन, एरिक, टॉबिन, फ्रांसाइन, स्कॉट और बहुत सारे अलेक्जेंड्रियन शामिल थे। वो सभी लोग सेवियर्स को सरेंडर करते हुए देखते हैं, लेकिन वो उन सभी सेवियर्स को मार डालते हैं। अंदर मौजूद सेवियर्स और बाहर के सर्वाइवल ग्रुप्स के बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है। सेवियर्स नंबर में बहुत कम थे और वो एक छोटे से एरिया के अंदर चारों तरफ से घेर चुके थे। जब ये सब कुछ हो रहा था तब रिक, डैरिल और तीन और लोगों के साथ बिल्डिंग के अंदर एंटर कर जाता है। वो वहाँ मौजूद दो गार्ड्स को मार गिराता है। तीनों सर्वाइवर्स बाहर ही रुक जाते हैं जबकि रिक और डैरिल आर्मरी की खोज में उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। बिल्डिंग के बाहर मौजूद मारा अपने ग्रुप के सभी आदमियों से भागने के लिए एक रास्ता तैयार करने के लिए कहती है। इधर अंदर रिक ड्वाइट के दिए हुए बिल्डिंग के नक्शे को खोलकर देखता है। डैरिल और रिक नीचे के पूरे फ्लोर को चेक कर चुके थे, उन्हें वहां पर कोई भी वेपन्स नजर नहीं आते। रिक और डैरिल अप स्टेयर्स पे चले जाते हैं। बाहर मारा मजबूर होकर सर्वाइवर्स के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देती है। एरन वहां मौजूद अपने सभी साथियों को बताता है कि उन लोगों को सेवियर्स को घेर के रखना है। अंदर डैरिल और रिक दोनों ही सेकंड फ्लोर के ऊपर पहुंच चुके थे। डैरिल को ड्वाइट के दिए हुए मैप के ऊपर शक था, लेकिन रिक उसे कहता है कि ड्वाइट का मैप बिल्कुल करेक्ट है। रिक का इरादा था कि वो लोग हैवी आर्मरी का यूज करके नीचे मौजूद सेवियर्स को मार सकते थे। वो दोनों दो अलग अलग डायरेक्शन में आर्मरी की खोज में चले जाते हैं। बाहर टॉबिन के कंधे के ऊपर गोली लग जाती है और वो बैटल से आउट हो जाता है। मारा के चारों और बहुत सारे सेवियर्स की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वो उन डेड बॉडीज को रीएनिमेट होते हुए देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाती है। एक वॉकर आगे बढ़कर मारा को बाइट कर लेता है और वो मारी जाती है। डैरिल एक डायरेक्शन में जाकर वहां के हर रूम को चेक कर रहा था। उसे एक रूम में एक हैंडकफ और कुछ खाना पड़ा हुआ दिखाई देता है। उसे सेंचुरी के अपने उस सेल की याद आ जाती है जहां पर उसे नेगा ने कैद करके रखा हुआ था। इधर एक आगे बढ़कर एक बड़े से लिविंग स्पेस में पहुंच जाता है। वो वहां के एक लॉक दरवाजे को खोलने लगता है, तभी एक सेवियर उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो सेवियर रिक को अपने कंट्रोल में कर लेता है और रिक की गन को छीनकर उसके ऊपर पॉइंट आउट कर देता है। रिक एक बार फिर से उस सेवियर को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उससे आर्मरी के बारे में पूछता है। वो सेवियर रिक को बताता है कि उस ऑफिस बिल्डिंग में कोई भी गन्स नहीं है। तब रिक उस सेवियर को मार डालता है। रिक उस सेवियर के पास से कीज लेकर उस लॉक रूम को खोलता है और उस कमरे के अंदर घुसता है। रिक देखता है कि वो एक बच्चे का कमरा था और वहां पर क्रिप में एक बेबी सोई हुई थी जिसका नाम ग्रेसी था। बाहर सेवियर्स और सर्वाइवल्स के बीच में फायरिंग चालू थी। फ्रांसिन की भी गोली लगने से डेथ हो जाती है। एरिक फ्रांसिन को मरते हुए देखकर डिस्टर्ब हो जाता है। इधर एरन और स्कॉट दोनों ही सेवियर से लड़ रहे थे। एरन देखता है कि एरिक को भी गोली लग चुकी थी। एरन वहीं मौजूद एक कार को लेकर तीन सेवियर्स को मारता हुआ एरिक की ओर जाता है। एरन देखता है कि गोली एरिक के पेट में लगी हुई थी और वो बहुत बुरी तरह से घायल था। एरन उसको इस तरह से देखकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और उसे वहां से लेकर अलग चला जाता है। अंदर रिक एक दूसरे लिविंग स्पेस में पहुंचता है और वहां पर उसे एक फैमिली फोटोग्राफ दिखाई देती है। रिक उस फोटो को बहुत गौर से देखता है, तभी एक आदमी पीछे से आकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। वो आदमी मॉरेल्स था जो कि अब सेवियर्स के साथ था। आप लोगों को याद होगा कि रिक को जब ग्लैन अपने साथ कैंप तक लेकर आया था, वहां पर मॉरेल्स उन लोगों के ग्रुप के साथ मौजूद था और उन लोगों के सीडीसी पर रवाना होते समय मॉरेल्स अपनी फैमिली के साथ चला गया था। मॉरेल्स रिक को बताता है कि उसने रेडियो पर सेवियर्स को मैसेज भेज दिया था और वो किसी भी वक्त उस पोस्ट पर उन लोगों की मदद के लिए पहुंचने वाले थे। रिक चुपचाप खड़ा मॉरेल्स को देखता रह जाता है। अब बात करते हैं सैटेलाइट आउटपोस्ट की, जहां पर पहले रिक ने अपने साथियों के साथ हमला किया था। मॉर्गन, तारा, जीजस, एंडी, फ्रेडी और डियाने बाहर मौजूद सेवियर्स को मारते हुए बाउंड्री के अंदर पहुंच जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि सेवियर्स ने उस बिल्डिंग के चारों तरफ डबल फेंसिंग एरिया क्रिएट कर दिया था और उस डबल फेंसिंग के अंदर उन लोगों ने बहुत सारे वॉकर्स को डाल दिया था। सर्वाइवर्स वॉकर्स को डिस्ट्रैक्ट करने की प्लानिंग करते हैं ताकि डियाना बिल्डिंग के बाहर मौजूद गार्ड्स को अपने निशाने पर लेकर मार सके। डियाना के बाहर मौजूद गार्ड्स को मारते ही उन लोगों का पूरा ग्रुप चुपचाप बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। वो सभी लोग सेवियर्स के रूम के बाहर एक एक करके खड़े हो जाते हैं। जीजस के सिग्नल मिलते ही वो सभी अंदर घुसकर सेवियर्स पर अटैक कर देते हैं। मॉर्गन, फ्रेडी और एंडी एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं और जैसे ही एक सेवियर उस दरवाजे को खोलता है वो लोग उसे मार डालते हैं। तभी एक और छिपे सेवियर्स इन लोगों के ऊपर बैकफायरिंग शुरू कर देते हैं।
एंडी मारा जाता है और फ्रेडी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। मॉर्गन उन्हीं लोगों के बीच में गिर जाता है। जीजस और तारा को एक रूम में एक सेवियर मिलता है जो कि बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। वो सेवियर जीजस और तारा को बताता है कि वो सेंचुरी का एक वर्कर था। तारा तुरंत ही उस सेवियर को मार देना चाहती थी, लेकिन जीजस उसके ऊपर दया करता है। बाहर डियाना, ऑस्कर और सेवियर्स के बीच में फायरिंग चालू थी। बाहर के गन फायर का फायदा उठाकर वो सेवियर, जिसका नाम डीन था, वो जीजस को अपने कंट्रोल में कर लेता है। इससे पहले कि डीन तारा के ऊपर गोली चलाए, जीजस एक बार फिर से उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। तारा के बहुत कहने के बाद भी जीजस डीन को मारने के लिए तैयार नहीं होता। वो उसे बेहोश कर देता है और उसके हाथ बांध देता है। मॉर्गन अभी तक जिंदा था, वो डेड बॉडीज के नीचे से निकल जाता है। वो अपने दोनों हाथों में गन लेकर सेवियर्स का पीछा करने लग जाता है। मॉर्गन बहुत ज्यादा ट्रॉमा में आ चुका था और वो अपने रास्ते में आने वाले हर सेवियर को मारता जा रहा था। जीजस फाइटर्स के एक ग्रुप के साथ पीछे के रास्ते से बिल्डिंग से बाहर निकलता है। जीजस ने वहां मौजूद बहुत सारे सेवियर्स को बंदी बना लिया था, जिनमें से ज्यादातर वर्कर्स थे। तारा उन सभी को बंदी बनाए जाने से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। वो उन सभी लोगों को उसी वक्त मार देना चाहती थी, लेकिन जीजस उन लोगों को बंदी बनाकर हिलटॉप ले जाना चाहता था। मॉर्गन भी बहुत सारे सेवियर्स को मारते हुए बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाता है। मॉर्गन जीजस के बंदी बनाए गए सेवियर्स को देखता है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। मॉर्गन उन्हीं प्रिजनर में मौजूद जेरेड को देखता है और वो बेंजामिन को याद करके बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस हो जाता है। मॉर्गन तुरंत ही जेरेड को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जीजस मॉर्गन को रोक देता है। जीजस मॉर्गन को कहता है कि उन लोगों ने सरेंडर किया है और वो लोग उन्हें मार नहीं सकते। यूडोर्डो वहां मौजूद सभी सेवियर्स की एक पॉलेराइड फोटोग्राफ ले लेता है। अब बात करते हैं सेवियर्स के लुकआउट पोस्ट की, जहां पर कैरोल और रिजेकल अपने पूरे ग्रुप के साथ पहुंच गए थे। वहीं मौजूद एक सेवियर ने उन लोगों के ऊपर एक स्मोक ग्रेनेड फेंक दिया था और वो वहां से बचकर भाग निकला था। इधर कैरोल और रिजेकल के ग्रुप के ऊपर बहुत सारे वॉकर्स हमला कर देते हैं। कैरोल उस सेवियर नेल्सन को भागते हुए देख चुकी थी। वो रिजेकल को वार्न करती है कि नेल्सन नॉर्थ में मौजूद आउटपोस्ट को जाकर वार्न कर देगा और वो लोग उस आउटपोस्ट को अपने कंट्रोल में नहीं ले पाएंगे। रिजेकल कैरोल को अश्योर करता है और अपने एक आदमी को अपनी रेजिमेंट और शिवा को लाने के लिए भेज देता है। कैरोल और रिजेकल नेल्सन का पीछा करते हुए जंगल में आगे बढ़ने लग जाते हैं। उन्हें थोड़ी दूर पर कुछ फ्रेश ब्लड के स्टेन्स दिखाई देते हैं। वो दोनों उन ब्लड स्टेन्स का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं और उन लोगों को आगे नेल्सन मिल जाता है। शिवा नेल्सन के ऊपर हमला करके उसे मार डालती है। रिजेकल और कैरोल को रेडियो पर एक मैसेज सुनाई देता है, जो कि सेवियर पोस्ट से भेजा गया था और उसमें उन लोगों ने किंगडम के लोगों के हमला करने के बारे में जानकारी दी थी। रिजेकल और कैरोल आने वाली लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। रिजेकल अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स को इकट्ठा करके उन्हें एक मोटिवेशनल स्पीच देता है। कैरोल जानती थी कि आउटपोस्ट पर सेवियर्स नंबर्स में उनसे बहुत ज्यादा है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उन लोगों के पास सेवियर से निपटने के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। उन लोगों को रेडियो पर आती हुई सेवियर्स की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसमें वो लोग अपनी फोर्सेस को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। रिजेकल अपने ग्रुप में कुछ लोगों को साथ लेकर जंगल में आगे बढ़ने लग जाता है। तभी उसे चारों ओर से सेवियर्स घेर लेते हैं। वो सभी सेवियर्स जोर जोर से विसल बजा रहे थे। कैरोल बाकी बचे हुए किंगडम के लोगों के साथ उन लोगों के ऊपर पीछे से अटैक कर देती है। रिजेकल भी अपने सभी लोगों के साथ उन लोगों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है और वो सभी सेवियर्स मारे जाते हैं। कैरोल और रिजेकल आउटपोस्ट की ओर आगे बढ़ने लग जाते हैं। उन लोगों के रास्ते में एक बार फिर से सेवियर्स का एक बड़ा ग्रुप आ जाता है और वो सभी मिलकर उन सेवियर्स को मार डालते हैं। रिजेकल सेवियर्स के इस तरह मारे जाने से बहुत खुश था, क्योंकि अभी तक किंगडम के उसके सभी लोग सेफ थे। वो सभी नगान के आउटपोस्ट पर पहुंच चुके थे। कैरोल सेवियर्स को अपने गन के निशाने पर ले लेती है। तभी उन लोगों के मारे हुए सेवियर्स रीएनिमेट होने लग जाते हैं। किंगडम के सभी रेजिडेंट उन रीएनिमेट हुए सेवियर्स को मारने लग जाते हैं। रिजेकल तभी बिल्डिंग के विंडो की ओर देखता है और उसे महसूस हो जाता है कि उस विंडो में कोई खड़ा हुआ था। तभी उन विंडोज से रिजेकल के ग्रुप की ओर फायरिंग होना शुरू हो जाती है। रिजेकल चिल्लाकर अपने सभी आदमियों को वहां से हटने के लिए कहता है। किंगडम का ही एक रेजिडेंट किंग रिजेकल के सामने आकर गोलियों से उसे बचा लेता है। ऑफिस आउटपोस्ट पर मॉरेल्स अभी भी रिक को अपने गन पॉइंट पर लिए हुए था। मॉरेल्स रिक को बताता है कि उसने रिक के बारे में यहाँ पर बहुत कुछ सुना हुआ था और रिक अब एक मॉन्स्टर बन चुका था। वो लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता था। मॉरेल्स रिक को बताता है कि नेगान ने रिक को, विडो को और किंग रिजेकल को जिंदा ही बंदी बनाने के लिए कहा है।
मॉरल्स रिक को बताता है कि सेवियर्स उन लोगों के ग्रुप को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो अपने बारे में भी रिक को बताता है कि वो अपनी फैमिली को खो चुका था। मॉरल्स ने बहुत सारे सेवियर्स को मैसेज करके बुला लिया था और वो बिल्डिंग के बाहर पहुंच चुके थे। रिक के ग्रुप के लोगों में और सेवियर्स के बीच में फायरिंग होना शुरू हो चुकी थी। रिक और मॉरल्स उन फायरिंग की आवाज को सुनते हैं। मॉरल्स उन सभी लोगों को बिल्डिंग के अंदर आने के लिए कहता है। एरन घायल एरिक को ले जाकर एक पेड़ से सटाकर बिठा देता है। एरन नहीं चाहता था कि एरिक इस फाइट में शामिल हो। एरिक पहले कायर था लेकिन अब वो बहुत बदल चुका था और इस लड़ाई में एरन के साथ आया था। एरन एरिक को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो एरिक को उसी हालत में बैठे रहने को कहकर वापस लड़ाई करने के लिए चला जाता है। रिक मॉरल्स को ग्लैन की डेथ के बारे में बताता है। मॉरल्स रिक को बताता है कि उसे सेवियर्स ने बचाया था और उसने सेवियर्स के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। तब से वो भी एक नेगन है। डेरिल मॉरल्स के पीछे पहुंचकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। डेरिल रिक से पूछता है कि क्या उसे आर्मरी मिल गई थी, लेकिन रिक उसके लिए मना कर देता है। वो दोनों जब उस बिल्डिंग से बाहर निकलने लगते हैं, तब बिल्डिंग के अंदर आ चुके सेवियर्स उन लोगों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। रिक और डेरिल को वो सभी सेवियर्स गन पॉइंट पर ले लेते हैं। रिक और डेरिल के पास इस वक्त तक एमो खत्म हो गई थी। रिक वही मौजूद एक फायर एक्सटिंग्विशर को शूट कर देता है। एरन बाकी लोगों के साथ बिल्डिंग के अंदर पहुंचकर उन सेवियर्स को मार डालता है और रिक और डेरिल को बचा लेता है। इंश्योरेंस ऑफिस बिल्डिंग में मौजूद सभी सेवियर्स मारे गए थे और रिक के ग्रुप की जीत हो जाती है। मारे गए सेवियर्स रीएनिमेट हो चुके थे, जिन्हें की रिक के ग्रुप के लोग मार डालते हैं। रिक वहां के सीन की भी एक पोलराइड फोटोग्राफ लेता है। घायल लोगों को एक ट्रक में बिठाकर वापस भेज दिया जाता है और मरे हुए लोगों को वहीं पर बरिड कर दिया जाता है। एरन एरिक को खोजने के लिए पेड़ के पास आता है, लेकिन वहां पर उसे एरिक दिखाई नहीं देता। उसे कुछ दूर पर कुछ वॉकर्स नजर आते हैं और वहां पर उसे एरिक दिखाई देता है। एरन एरिक को इस तरह से देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। स्कॉट आकर एरन को अपने साथ ले जाता है। रिक ग्रेसी को बिल्डिंग के अंदर से लेकर आ जाता है। वो ग्रेसी को एरन को दे देता है और उसे हिलटॉप में मैगी के पास ले जाने के लिए कहता है। रिक अब अकेला ही स्कैवेंजर्स के साथ बात करने के लिए जाना चाहता था। रिक को वहीं पर छिपा हुआ एक सेवियर दिखाई देता है। रिक उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। सेवियर जब बाहर निकलता है, तब रिक उसे आर्मरी के बारे में पूछता है। सेवियर रिक को बताता है कि एक दिन पहले ही उन लोगों की हैवी मशीन गन्स को गेविन की पोस्ट पर भेज दिया गया था। डेरिल तुरंत ही वहां आकर उस सेवियर को मार डालता है। डेरिल रिक को बताता है कि गेविन की पोस्ट पर इजेकिल की पूरी यूनिट गई हुई थी। इधर हिलटॉप और अलेक्जेंड्रिया के सभी लोग सैटेलाइट आउटपोस्ट से बंदी बनाए गए लोगों को लेकर रोड पर आ चुके थे। मॉर्गन जैरेड के बाजू में चल रहा था। जैरेड उसे चिढ़ाने के लिए जोर जोर से सीटी बजाने लग जाता है। मॉर्गन अभी भी जीजस के डिसीजन से बहुत ज्यादा नाराज था। वो उन सभी लोगों को वहीं पर मार देना चाहता था। जीजस मॉर्गन को क्लियर करता है कि वो लोग हिलटॉप से ज्यादा दूरी पर नहीं है और अब मैगी ही उन प्रिजनर्स का फैसला करेगी। जैरेड लगातार मॉर्गन को छेड़ता जा रहा था। वो बेंजामिन को लेकर भी मॉर्गन को छेड़ता है। मॉर्गन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जैरेड को गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी बहुत सारे वॉकर्स जंगल से निकलकर रोड के ऊपर आ जाते हैं। दो सेवियर्स उन वॉकर्स के हमले से मारे जाते हैं। जैरेड 10 लोगों के साथ जंगल में भाग जाता है। मॉर्गन जंगल में उनका पीछा करने लग जाता है। जैरेड सभी लोगों के साथ ज्यादा दूर नहीं जा पाता और वो सभी पकड़े जाते हैं। डियाना उन सभी लोगों को वापस रोड पर लेकर आती है और वो लोग एक बार फिर से हिलटॉप की ओर रवाना हो जाते हैं। मॉर्गन जीजस को बताना चाहता था कि सेवियर्स कभी भी नहीं बदल सकते, लेकिन जीजस अभी भी फेथ में यकीन करता था। वो मॉर्गन को बताता है कि लड़ाई के खत्म होने के बाद उन्हें सेवियर्स के साथ जीना सीखना होगा। मॉर्गन जीजस की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। जीजस और मॉर्गन के बीच में लड़ाई होने लग जाती है और जीजस मॉर्गन को कंट्रोल में कर लेता है। जीजस मॉर्गन के स्टिक को ले चुका था, वो उसे वापस मॉर्गन को लौटा देता है। तारा और डियाने वहां पर पहुंच जाते हैं। मॉर्गन इस समय बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस था, वो वहां से चला जाता है। हिलटॉप में एनिट गार्ड की ड्यूटी कर रही थी, तभी वो ग्रेगरी को गैब्रियल की कार में बैठकर आता हुआ देखती है। ग्रेगरी एनिट से विनती करता है कि वो उसे गेट के अंदर आने दे। मैगी वहां आकर ग्रेगरी से उसके वहां आने का कारण पूछती है। ग्रेगरी मैगी को बताता है कि हिलटॉप उसने बनाया है और वो उसका लीडर है। मैगी ग्रेगरी को याद दिलाती है कि उसने अपनी कम्युनिटी को नेगान को बेचने की कोशिश की थी। ग्रेगरी मैगी को कहता है कि वो हिलटॉप के लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहा था। मैगी ग्रेगरी को हिलटॉप के बाहर ही रहने के लिए कहती है, लेकिन ग्रेगरी के बहुत माफी मांगने पर वो उसे गेट के अंदर बुला लेती है।
उसी वक्त जीजस अपने पूरे ग्रुप के साथ प्रिजनर्स को लेकर हिलटॉप पहुंच जाता है। ग्रेगरी प्रिजनर्स को देखता है और जीजस को कहता है कि वो लोग हिलटॉप के अंदर नहीं रह सकते थे। मैगी ग्रेगरी को एक और जाने के लिए कहती है और खुद प्रिजनर्स के बारे में जीजस से बात करती है। तारा भी प्रिजनर्स को हिलटॉप के अंदर एंट्री देने के फेवर में नहीं थी। मैगी देखती है कि हिलटॉप के अंदर बहुत सारी फैमिलीज मौजूद हैं और सेवियर्स के साथ वो लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं होंगे। जीजस मैगी को सजेस्ट करता है कि वो लोग उन प्रिजनर्स को दो खाली ट्रेलर्स में रख सकते थे और उन्हें गार्ड करने के लिए कुछ आदमियों को लगाया जा सकता था। एपिसोड की शुरुआत में किंगडम को दिखाया जाता है जहाँ किंगडम के निवासी सेवियर्स से लड़ने की तैयारियां कर रहे थे। किंग एजिकल अपनी ड्रेस पहनता है, सोल्जर्स अपनी फैमिली को गुड बाय कहते हैं, एजेकल किंगडम के सभी रेजिडेंट को एक मोटिवेशनल स्पीच देता है और सभी जोश में चिल्लाने लग जाते हैं। एपिसोड को एक बार फिर से प्रेजेंट में लाया जाता है जहां पर किंगडम के सभी लोग 50 कैलिबर मशीन गन से मारे गए थे। किंग एजिकल एक बॉडी के नीचे से निकलता है, उसके चारों ओर किंगडम के रेजिडेंट्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। एजिकल आगे जाकर डैनियल की बॉडी के पास रुक जाता है। डैनियल तभी रीएनिमेट होने लग जाता है और एजेकिल बहुत ज्यादा डर जाता है। एजेकिल बहुत बुरी तरह से घायल था। वो किंगडम के मरे हुए सोल्जर्स को रीएनिमेट होते हुए देखता है। एजेकिल डेड सोल्जर की गन को उठाकर देखता है, उनमें एमुनेशन खत्म हो चुकी थी। एजेकिल को तभी एक सोल्जर एल्वेरो आके बचा लेता है। एल्वेरो एजेकिल के उठने में मदद करता है। अगला सीन आउटपोस्ट के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर सेवियर्स ने 50 कैलिबर मशीन गन को पैक कर लिया था और वो उसे सेवियर्स के कंपाउंड तक ले जा रहे थे। कैरोल किसी तरह से छिपती हुई हॉलवे के अंदर चली जाती है। कैरोल एक जगह छिप जाती है और वो वहाँ मौजूद दो सेवियर्स को मार डालती है। कैरोल अपनी छिपी हुई जगह से बाहर निकलकर बचे हुए सेवियर्स को मारने लग जाती है। तभी सेवियर्स का एक ग्रुप पीछे से आ जाता है। कैरोल सेवियर के उस ग्रुप को देखकर छिप जाती है। सेवियर्स का ग्रुप कैरोल को देखकर इग्नोर करता है। उन लोगों को 50 कैल मशीन गन को जल्दी से जल्दी सेवियर्स के कंपाउंड तक पहुंचाना था। आउटपोस्ट के बाहर एजेकिल एल्वेरो के साथ था। तभी एक सेवियर आकर एल्वेरो को मार डालता है। वो सेवियर जिसका नाम गंथर था वो एजेकिल को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ आउटपोस्ट की तरफ ले जाने लगता है। गंथर एजेकिल को जिंदा ही सेंचुरी ले जाना चाहता था क्योंकि नेगान ने रिक एजेकिल और मैगी को जिंदा पकड़ने का ऑर्डर दिया था। गंथर एजेकिल को किसी तरह से आगे ले जा रहा था। वो अपने पीछे वॉकर्स के हर्ड को आते हुए देखता है। आउटपोस्ट के अंदर सेवियर्स ने मशीन गन को ट्रक के अंदर लोड कर लिया था। कैरोल वहां पर पहुंच जाती है। बाहर गंथर एजेकिल को खींचते हुए अंदर की ओर ला रहा था। वो रास्ते में एजेकिल की बेइज्जती करता है और उसे बताता है कि वो एजेकिल की सच्चाई जानता है जो कि एक झूठ मूठ का किंग बना हुआ है। गंथर एजेकिल के कॉस्ट्यूम को लेकर उसे बहुत चिढ़ाता है। इधर कैरोल सेवियर के क्रू पर हमला कर देती है लेकिन सेवियर्स के बैकफायरिंग करने के कारण कैरोल को एक तरफ छिपना पड़ता है। गंथर एजेकिल को लेकर फैंस के बाहर पहुंच चुका था। वो वहां पहुंचकर अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लग जाता है। एजेकिल अपनी तलवार निकालने की कोशिश करता है लेकिन गंथर एजेकिल से उसकी तलवार ले लेता है। गंथर एजेकिल की और बेइज्जती करने के लिए उसे जमीन के ऊपर गिरा देता है और ब्लड से उसके फेस के ऊपर कुछ मार्क्स बना देता है। इधर कैरोल और सेवियर्स के बीच में फायरिंग चालू थी। गंथर एजेकिल को लेकर मेन गेट पर पहुंच चुका था। वो वहां के गेट के ऊपर ताला लगा हुआ है। एजेकिल देखता है कि वॉकर्स का हर्ड उनके बहुत करीब आ चुका था। एजेकिल गंथर से अपनी तलवार मांगता है। वो गंथर के साथ मिलकर वॉकर्स का सामना करना चाहता था। गंथर एजेकिल की बातों को इग्नोर करता है और उसके कोट को फाड़ लेता है। गंथर उस कोट का यूज करके फैंस के दूसरी तरफ जाना चाहता था। गंथर एजेकिल को कहता है कि वो उसका हेड काट कर नेगान के सामने लेकर जाएगा। गंथर एजेकिल को मारने के लिए अपनी तलवार उठा लेता है। तभी जेरी वहां पहुंच जाता है और वो गंथर को मार डालता है। कैरोल एक जगह छिपी हुई थी। वो अपने पीछे एग्जिट का एक बटन देखती है। कैरोल मनी मन एक प्लान बनाती है और वो अपनी गन को वहीं पर छोड़कर सेवियर्स के सामने बाहर आ जाती है। कैरोल सेवियर्स को बताती है कि इस वक्त उसके पास कोई भी वेपन नहीं है और वो अपने लीडर्स की लोकेशन की जानकारी उन लोगों को दे सकती थी। जेरी एजेकिल की मदद करता है और उसे अपने साथ लेकर फैंस की ओर बढ़ने लग जाता है। जेरी एजेकिल की तलवार को बहुत ही रिस्पेक्टफुली उसे दे देता है। एजेकिल जेरी से तलवार लेते हुए थोड़ा हिचकिचाता है। उसे गंथर की कही हुई बातें याद आने लग जाती है और वो जेरी से अपने को किंग कहने के लिए मना करता है लेकिन जेरी एजेकिल को क्लियर करता है कि वो उन लोगों का अभी भी किंग है। जेरी अपनी एक्स की मदद से गेट के ताले को खोलने की कोशिश करने लग जाता है। इधर सेवियर के ग्रुप का लीडर जिसका नाम योगो था वो कैरोल की बातों को बहुत ध्यान से सुनता है और उससे उसके लीडर्स की लोकेशन बताने के लिए कहता है।
योगो के कहने से एक सेवियर कैरोल की ओर बढ़ता है। कैरोल उस सेवियर को तुरंत ही अपने कब्जे में कर लेती है और उसके गले पर नाइफ रखकर बाकी सेवियर से अपने वेपन्स नीचे रखने के लिए कहती है। सेवियर्स कैरोल की बात नहीं सुनते और वो अपने साथी को मार डालते हैं। कैरोल ये देखकर तुरंत ही वहाँ पीछे लगे हुए बटन को प्रेस कर देती है। उस बटन के प्रेस होते ही गेट नंबर 4 खुल जाता है और वॉकर्स अंदर आना शुरू कर देते हैं। वॉकर्स अचानक ही सेवियर्स के ग्रुप के पीछे आ जाते हैं और सेवियर्स बहुत बुरी तरह से घबरा जाते हैं। इधर जेरी ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा था, अचानक ही उसकी एक्स टूट जाती है। वो लोग वॉकर्स को अपने करीब आता हुआ देखते हैं और वो उन लोगों का सामना करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। कैरोल उस सेवियर की बॉडी से चाबियों के गुच्छे को निकाल लेती है और फेंस के पास जाकर वहाँ के ताले को खोल देती है। इधर सेवियर्स के ग्रुप के 2 सेवियर्स वॉकर्स द्वारा मारे जा चुके थे। उनके मारे जाने के कारण योगो का ध्यान कैरोल की तरफ से हट जाता है। इस मोमेंट पर एक बार किंगडम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर कैरोल और इजेकिल आने वाली लड़ाई के बारे में बात कर रहे थे। इजेकिल कैरोल को क्लियर करता है कि इस लड़ाई को जीतने के बाद वो भी एक वॉरियर बन जाएगा। एक बार फिर से प्रेजेंट में आते हैं। कैरोल फैंस के गेट को खोल चुकी थी। इजेकिल अंदर घुसते ही कैरोल से मशीन गन के बारे में पूछता है। तभी उन लोगों को एक मोटरसाइकिल और एक ट्रक की आवाज सुनाई देती है। कैरोल इजेकिल को कहती है कि वो लोग अभी भी मशीन गन को कंपाउंड तक जाने से रोक सकते थे। इधर सेवियर्स अपने ट्रक में मशीन गन को लोड करके निकल चुके थे। रिक और डेरिल उन लोगों को देख लेते हैं और उन लोगों का पीछा करने लग जाते हैं। ट्रक के पीछे बैठा हुआ सेवियर डेरिल की तरफ मशीन गन चलाने लग जाता है। डेरिल रोड के एक तरफ हो जाता है। रिक उन लोगों का लगातार पीछा कर रहा था। योगो उस ट्रक को ड्राइव कर रहा था। योगो आगे जाने पर बहुत सारे वॉकर्स को देखकर घबरा जाता है और गाड़ी के ऊपर से अपना कंट्रोल खो देता है। ट्रक के पीछे बैठा हुआ आदमी हिल जाता है और उसका निशाना चूक जाता है। इसी बीच डेरिल भी वहां पर पहुंच चुका था। रिक एक किनारे हो जाता है और डेरिल आगे बढ़कर ट्रक के पीछे बैठे हुए सेवियर को मार डालता है। डेरिल और रिक दोनों ही उस ट्रक के करीब पहुंचते हैं और उस मशीन गन को चेक करते हैं। इधर कैरोल, इजेकिल और जेरी वॉकर्स का सामना कर रहे थे। इजेकिल बहुत ज्यादा घायल था। वो कैरोल और जेरी को अपने आप को वहीं छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों इजेकिल को वहां छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होते। वो तीनों एक क्रीक के पास पहुंच चुके थे। वहां उनका सामना बहुत सारे वॉकर्स से होता है। इजेकिल उन वॉकर्स के डायरेक्शन में फायरिंग करना शुरू कर देता है। वो कैरोल और जेरी को वहां से जाने के लिए कहता है। जेरी अपने राजा को वहां पर छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता। तब किंग इजेकिल जेरी को बताता है कि वो भी उन लोगों के समान ही एक आम इंसान है। तभी एक तरफ से शिवा उन वॉकर्स के ऊपर हमला कर देती है। वो कई वॉकर्स को मार गिराती है, लेकिन वॉकर्स नंबर्स में बहुत ज्यादा थे। वो शिवा के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे बाइट कर लेते हैं। इजेकिल शिवा को इस हालत में देखकर बहुत दुखी हो जाता है। वो तीनों किसी तरह से किंगडम वापस लौटकर आ जाते हैं। किंगडम के रेजिडेंट उन तीनों को अकेला आता हुआ देखते हैं और वो उन लोगों के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। इजेकिल किंगडम के रेजिडेंट को कुछ भी नहीं बोल पाता और धीरे से अपने पैलेस की ओर चला जाता है।